जय जगन्नाथ। ज्योतिर्विद रोटेरियन डॉक्टर प्रमोद पात्र, भाग्यफल कार्यक्रम कर्मकर्ता मानक तरफ रु, के न्यूज टीवी रो परिवार तरफ रु, ओ मो निज तरफ रु समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत करुचे। आरंभ करिबा हमर कार्यक्रम बीज मंत्र रु। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। आजिरा दिनटी बारटी राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई किपरी कटिबो चुंबक रे आपनको उपस्थापना करिवे। ता पूर्वरु मन पकई दउची, बारटी राशि प्रत्येक राशि रे तीन तीनटी नक्षत्र हुए। नक्षत्र को नहीं महादशा अंतरदशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा हिसाब निकास करा जाए। ता सहित गोचर उपकार, गोचर माने आजिरा ग्रह मानक स्थिति को यदि तुलनात्मक भाव विचार करवा, बृहस्पति शनि राहु केतु को नहीं जब आम तुलनात्मक भाव विचार करवा, क्या बृहस्पति गोटे घर को चलन होगा तेरह मस, राहु देढ़ वर्ष, शनि दुई वर्ष छ मस, रवि गोटाए मस, ताकू तुलनात्मक विचार करवा। मेष राशि तीनोटी नक्षत्र है, एक बै एक अश्विनी मेष, दुई बै एक द्विजा मेष, तीन बै एक कृतिका मेष। अत्यंत शुभ प्रथ अर्थ अनर्थर कारण, अर्थ समर्थर कारण, अर्थ मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग बट मनी सुइटर देन हनी। बहुत प्रश्न आपन को भीतर थिवो, मनी कैन परचेज द प्लेजर बट नॉट द पीस, मनी कैन परचेज द मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ, मनी कैन परचेज द डाइट बट नॉट द एपेटाइट, मनी कैन परचेज द बुक्स बट नॉट द इंटेलिजेंस, बट मनी सुइटर देन हनी। ए मनीर अर्थर कारक हेले बृहस्पति। बृहस्पति सब 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 स्थान जो अत्यंत शुभ स्थान सकाशे कर्म आज्ञा भाग्य को कर्म करने को पड़ो। टास्क मास्टर हेले शनि, शनि निज घरे अवस्थित। एणु मेष राशि एक बै एक अश्विनी मेष, दुई बै एक द्विजा मेष, तीन बै एक कृतिका मेष पाई दिन टी आम विचार को नवा प्रत्येक दृष्टिकोण रु, आर्थिक वृत्तिगत स्वास्थ्यगत पारिवारिक सामाजिक भौतिक धार्मिक राजनैतिक प्रत्येक दृष्टिकोण रु आशा ठारु अधिक शुभ फल भोग करिवे। प्रतिकार आवश्यकता नहीं। वृष राशि तीनोटी नक्षत्र, तीन बाय दुई कृतिका वृष, चारि बाय दुई रोहिणी वृष, पांच बाय दुई मृगशिरा वृष। जो नक्षत्र होना कहीं नक्षत्र को नहीं महादशा अंतरदशा प्राणदशा में हिसाब लिखे, तीन बै दुई कृतिका वृष हेले जन्म बेलू रवि महादशा, चारि बै दुई चंद्र रही रोहिणी हेले जन्म बेलू चंद्र महादशा, पांच बै दुई मृगशिरा हेले जन्म बेलू मंगल महादशा। हिसाब निकाश करने क्लोजिंग बैलेन्स एंड ओपनिंग बैलेन्स एंड वृष राशि बृहस्पति शुभावस्था मित्र घरे, शनि मध्य आश्चर्यजनक भाव में दीर्घ तीस वर्ष पर आपको टी स्मरण कर दूच, आई विल रिकलेक्ट इन मेमोरी। 25 जनवरी 2020 तारीख दिन दुई वर्ष छ मास मकर राशि को आणु वृष राशि तीन बै दुई कृतिका वृष, चारि बै दुई रोहिणी वृष, पांच बै दुई मृगसुरा वृषपाई अत्यंत शुभ। परिकल्प योजना को बिना प्रतिबंधक संपूर्ण करे, समस्त दृष्टि केन्द्र बिंदु हे। तेणु मोर कह वृष राशि आप भय जो भवित होती भयभीत हे ना योजना को कार्यकारी करेंगे। मोर कहार तात्पर्य, बिलीव इन गॉड हु बिलीव्स इन यू, गॉड इज नेदर डिस्टेंट आर डिस्टेंट फ्रॉम यू इज विदिन यू। भगवान आप अलग नुहति, आप दूर नहांती, आपण सहित रही से ही विश्वास जावा कि आम विश्वास हर दूचे। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक सुस्थ सबल रहा योजना को कार्यकारी करेंगे। जो मैंने सहय कर पारे विभिन्न स्लोगान मारे विभिन्न प्रकार समालोचना रही आज्ञा गणमाध्यम प्रथम वर्तमान गणतंत्र देश आज्ञा आपण भावुंत समस्त एक हेनी आज्ञा गण समस्त तंत्र जार्ता शहे रु एकावन आसिले सरकार, 49 आसिले विरोधी दल, विरोधी नथिले किछि हेइ पारिबनि, आपण भूल पटा किए देखेबो। एणु वृष राशि व्यक्ति विशेष भयभीत हेबेनि,
वृष पी साहसिक पदक्षेप नहीं निश्चित भाव दिन टाक सुचारू रूपे संपादन करेंगे प्रतिकार आवश्यकता ना। मिथुन राशि तीनो नक्षत्र पांच बै तीन मृगशिरा मिथुन जन्म बेलू मंगल महादशा, छ बै तीन आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि जन्म बेलू राहु महादशा, सात बै तीन पुनर्वस नक्षत्र मिथुन राशि जन्म बेलू बृहस्पति महादशा अत्यंत शुभ। आपण व्यतीव्यस्त कहीं हे सब दिमत रहा उचित केते जगार भल जमी आप चेज कहे किसी लोक पर स्वागत करतन को गाली दूसरी परिवर्तन पिला पाठ पढ़िलानी ज्योतिष पाख को शिक्षक पाख जाऊँ आज्ञा पिलाटा केमती परिवर्तन हम टे चेष्टा कर बोली डाकुं जहाँ को मनीष करेंगे पिला बलू आज्ञा सब साली देखते परिवर्तन हो गला सो परिवर्तन केत स्वागत योग्य केत समालोचना व्यतीव्यस्त हे ना आज्ञा सब कथार रही हाँ नाई भितर अच्छे पॉजिटिव टू एंड नेगेटिव टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। मोर कहार अर्थ मिथुन राशि पाई अत्यंत शुभ समय थी जो बेकार मानक शुभ खबर यही करोना जीविका भितर जो प्रश्नवाच हो पड़ी जेतिक आपणकर वैकेंसी आसीब वर्तमान वैकेंसी बोले रहा बैंकिंग सेक्टर वैकेंसी माने ओडिशा रे 60टा अदालत खोलिब कोर्ट खोलिब विचार विभाग रे नियुक्ति निश्चित भाव रे मिथुन राशि व्यक्ति पांच बै तीन मृगशिरा मिथुन, छ बै तीन आद्रा मिथुन, सात बै लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे निजर दक्षता प्रतिपादन करी कर्म क्षेत्र में अवस्थापित होगा निश्चित। आज हेल्प तो कल हेनी मुझे राशिफल कहे आप कही ना आज्ञा गायनिक डॉक्टर प्रसूति विभाग चिकित्सक स्वामी स्त्री दिज जाक चिकित्सक होते कौन आज बाहर कौन का छुआ हो पेडोटिक स्पेशलिस्ट शिशु विशेषज्ञ आज बाहर कौन का छुआ हेल्ले कौन बापा बोले डाकिदेव समय आज्ञा समय है बलवान समय टू आपणकर अपेक्षारत रे जेहेतु कि आपणकर मिथुन राशि पाई अत्यंत शुभ समय निरंतर भाव में निरविच्छिन्न अवस्था एकत्रिश तीन दुई हजार एक पर्यंत बलवत्र रही एणु कर्म क्षेत्र में अवस्थापित होगा निश्चित प्रतिकार आवश्यकता नहीं देह संपूर्ण भाव सुस्थ रहिबो। कर्कट राशि आज्ञा तीनोटी नक्षत्र सात बै चार पुनर्वस नक्षत्र कर्कट राशि जन्म बेलू बृहस्पति महादशा, आठ बै चार पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि देवगण जन्म बेलू शनि महादशा, नौ बै चार अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि राक्षस गण जन्म बेलू बुद्ध महादशा। कर्कश स्वभाव तो क्षणकोपी हे परिस्थिति परिवेश किंतु बेले बेले क्रोधर भी आवश्यकता रही जाए आप आमिष करूँ निरामिष करूँ लंका कहते सुस्वादु को बढ़ाए सुस्वादु को कमाए किंतु नियंत्रण आपण को ऊपर रहिला एणु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने कर्कश स्वभाव युक्त हे परिस्थिति को शांत करने चंद्रंकर गायत्री ओम निशाकरा विद्महे खेपाकरा धीमहि तर चंद्र प्रचोदा यहाँ को छाड़देले वाक् चतुरी उपस्थापना शैली समस्त को आप्यायित करेंगे कर्म क्षेत्र में अवस्थापित हे जो पदोन्नति क्षेत्र में सहकर्मी उपरिस्थ कर्मकर्ता माने कृत्रिम प्रतिबंधक आर्टिफिशियल स्टैम्बलिंग ब्लॉक तैयार करते तार पूर्ण छेद पड़ो पदोन्नतिर रास्ता अत्यंत सरल सुगम हो पड़ किंतु मात्र जदि ओ कहार अर्थ पदोन्नति हेले आपण को स्थानांतरित ट्रांसपोर्ट हवाटा सुनिश्चित देह मन संपूर्ण भाव में सुस्थ र प्रतिकार आवश्यकता रहे। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई तीनोटी नक्षत्र दस बै पांच बघा नक्षत्र सिंह राशि जन्म बेलू केतु महादशा, एगार बै पांच पूर्व फाल्गुन नक्षत्र सिंह राशि जन्म बेलू शुक्र महादशा, बार बै पांच उत्तर फाल्गुन नक्षत्र सिंह राशि जन्म बेलू रवि महादशा। सी गाणितिक हिसाब आम क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस भितर को आपको दरकार विकास यू आर लिविंग रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी फल कौन आज्ञा आप पचारे आपण को दशा महादशा आम कौन बुझुचु कि आज्ञा फल कौन हम कहतु सिंह राशि पाई अत्यंत शुभ दुस्साहसिक पदक्षेप ने समस्त प्रकार घात प्रतिघात को अतिक्रम करी जमी वर्षा आसे पक्षी बसा को फेरे केवल चिल उपरकू जाए
ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଏକ ନବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଟିଭି, ବିଦ୍ୟୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଖବରକାଗଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପଦୋନ୍ନତି ରାସ୍ତା ସରଳ ସୁଗମ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥୀର ରାଶି ସିଂହ, ତୁଳା, ବିଛା, ବୃଷ, ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥିବ, ତାହା ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 320 ଶ୍ଳୋକ 414 ପ୍ରକାରେ ରାଜଯୋଟକ ହେବ। 415 ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରକାରେ ରାଜଯୋଟକ ହେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ, ନରରକ୍ଷା ଦୋଷ, ଗଣଦୋଷ, ବର୍ଣ୍ଣଦୋଷ, ତାରାଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ ଆସିବ, ତାର ଲବ୍ଧ ଧନ ନିଜ ନାମରେ ବା ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ଙ୍କ ନାମରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜାତୀୟକରଣ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା। କନ୍ୟା ରାଶି କ୍ଷମା କରିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ୱାଜ୍, ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଶାଲ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ସମୟର ମଧ୍ୟ 3 ସନ୍ତାନ, ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି 12 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ କନ୍ୟା ଜନ୍ମବେଳକୁ ରବି, 13 ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଜନ୍ମବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ଜନ୍ମବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା, 12, 13, 14 ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଭୟଭୀତ ହେବେନି କରୋନା ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାସିଲେ ଛିଙ୍କିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଯାଉଛି। ଆଗକାଳରେ ଛିଙ୍କିଲେ ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ, ସବୁ ବିପରୀତ ହେଇଯାଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୟୁ ଫଲ୍, ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କର। ଏଣୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଯଦିଓ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ନୁହଁ ଦୁଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଜର ପାରିବାରିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ବିନା ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ କଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଭଣ୍ଡାମି, ଠକାମି, ଗୁଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହେବେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଣୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉସପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ବଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ ବଗଳାମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନାମ୍ ବାଚମ୍ ମୁକମ୍ ପଦ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭେୟ, ଜିହ୍ୱାମ୍ କିଳେୟ କିଳେୟ, ବୁଦ୍ଧିମ୍ ବିନାଶାୟ, ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆସିବ, ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ। 20/11/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ 3 ପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା, ଆସନ୍ତାକାଲର କଥା, ସପ୍ତାହର କଥା ବା ଏ ମାସର କଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହଁ। ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି 3 ନକ୍ଷତ୍ର, 14/7 ଚିତ୍ରା ତୁଳା, ଜନ୍ମବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା, 15/7 ସ୍ୱାତି ତୁଳା, ଜନ୍ମବେଳକୁ ରାହୁ ମହାଦଶା, 16/7 ବିଶାଖା ତୁଳା, ଜନ୍ମବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା। ସେ ଦଶା ମହାଦଶା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଦୁଃଖ ସୁଖ 2 ଯାକ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2 ପାଖ ପରେ। ତୁଳା ରାଶି କିନ୍ତୁ ଅତି ଚତୁର, ତୁଳନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି, ମା' ପ୍ରତି ସେତିକି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି, ବାପା ଘର ପ୍ରତି ସେତିକି, ଲାଭ ପାଇଁ ଯେତିକି, କ୍ଷତି ପାଇଁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନେ 2 କଥା ଭଲ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ। କେଉଁ ଭଲ ତାହେଲେ କେବେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, 22 ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କହୁଛି, 22 ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର ପଡ଼ିବ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପଡ଼ିବ, ତା ପରଦିନ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ତାରିଖ ଠାରୁ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଗତି କରିବେ। ତଥାପି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ,
किंबा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने लक्ष्मी मंत्र पढ़ी पारे ओम ऐम श्रीम धनदायिनी महालक्ष्मी मम गृहे मम परिवारे वसमानाय स्वाहा अन्य प्रतिकार आवश्यकता नहीं। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानक तीनोटी नक्षत्र षोहल बै आठ विशाखा बिच्छा जन्म बेल को बृहस्पती महादशा, सतर बै आठ अनुराधा नक्षत्र बिच्छा राशि जन्म बेल को शनि महादशा, अठर बै आठ ज्येष्ठा नक्षत्र बिच्छा राशि जन्म बेल को बुध महादशा। बिच्छा राशि अत्यंत शुभ ना शुणा को खराब लगुच कहीं पवित्र पापी पुराणा सिनेमा आप देखुले पवित्र भितर पापी कौटू आसला बिछा भितर भी भल अच्छा मोर कहवा जो नक्षत्र हो षोह बै आठ हो सतर बै आठ हो अठर बै आठ हो प्रधान कथा है विक्रम ग्रह शनि तृतीय स्थान रे बिच्छा राशि मकर राशि ग्रह रे अवस्था आज दिन ओली दुई वर्ष छ मास रही तेणु प्रत्येक क्षेत्र में दुस्साहसिक पदक्षेप ने गुप्त शत्रु माने सुप्त अवस्था रे प्रशासनिक क्षेत्र कहतु सांगठनिक क्षेत्र कहतु राजनैतिक क्षेत्र में हट चमट देख परिवर्तन करी समस्त दृष्टि केन्द्र बिंदु हे देह मन संपूर्ण भाव में सुस्थ रपरिक आपणकर कार्यदक्षता नियम अनुवर्तिता श्रृंखलता प्रशासनिक क्षेत्र कहतु किंवा राजनीति क्षेत्र में विरोधी माने आपको प्रशंसा करने को बाध्य हे केवल कार्यदक्षता किंतु कठोर व्यवहार पर समस्त जनप्रिय हवा सकाशे आस्थाभाजन हवापी सरस्वती मंत्र को पठ ओम ऐम ह्रीम श्रीम बागवादिनी सरस्वती मम कंठे वसमानाय स्वाहा आरंभ करें ना आपण को मन पक आपर 23 तारीख पड़ी रविवार 22 शनिवार गणेश चतुर्थी 23 तारीख हूँ आपणकर ऋषि पंचमी से ही दिन नील सरस्वती जंत्र को स्थापन करी मंत्र पढ़ंतु आसान रूप शुभफल मिल देह मन संपूर्ण भाव में सुस्थ रन्य प्रतिकार आवश्यकता ना। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक तीनोटी नक्षत्र 19 बै 9 मूला नक्षत्र धनुराशि जन्म बेल को केतु महादशा, 20 बै 9 पूर्वशाड़ा नक्षत्र धनुराशि जन्म बेल को शुक्र महादशा, 21 बै 9 उत्तरशाड़ा नक्षत्र धनुराशि जन्म बेल को रवि महादशा। से जहा उना कहीं अत्यंत अशुभ भयभीत करूनी सचेतन कर दूसरी धनुराशि आपण नम्रता नीरवता सरलता सब गुण अच्छे आज्ञा बेले बेले नीरवता सरलता लोक मैंने आप देखिए आपको कौच बण भितर को जाए आपण कौन से लोक को नहीं थे सीधा एकदम गच्छ देखिए चिन्हट करेंगे काटिया कहीं सी सरल कमरे आसव गई बांक टंक कमरे आसब ना जेहेतु कि आपण नीरवता सरलता आप कि कहे ना आपण को से अत्याचार भी करेंगे से पूर्णच्छेद नुह जेहेतु कि ग्रह मान स्थिति धनुराशि ठार द्वितीय घरे कुटुंब घरे शनि रहिले अंटा पिठी गंठी पादजनित रोग में आक्रांत हे थंडा जनित रोग देखादेव कोरोना पाई डरिवे ना कोरोना रोग नुह फ्लू टीका बारू इंजेक्शन बारू कौन औषध ना आज्ञा केवल आपण इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावाई औषध आप चेर मूली पनीपरिया फल खाइले अधिक बढ़ आज्ञा कि प्रथम भय को परित्याग कर जेहेतु कि धनुराशि अत्यंत अशुभ समय चली निज भय निजक खाइब तेणुक हनुमान पाखे तीन मुह विशिष्ट दीपे तीन गोटी सलिता पकाई तीन प्रकार तेल जड़ा सोरिष राशि तेल दीप प्रज्वलित करेंगे हनुमान गायत्री मंत्र ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन अनु प्रचोदात यहा व्यतीत हनुमान चालीसिया नुह हनुमान चालीसिया भैर ठीक परपर अच्छी संकट मोचन स्रोत प्रभु मु संकट में पड़ी मत रक्षा कर ताकू दिन को दुई थर पढ़ु निश्चित भाव संपूर्ण विपद मुक्त हे एले मात्र सन्देह मकर राशि तीनोटी नक्षत्र 21 बै 10 उत्तरशाड़ा नक्षत्र मकर राशि जन्म बेल को रवि महादशा, 22 बै 10 श्रवणा नक्षत्र जन्म बेल को चंद्र महादशा,
तेईस बै दस धनिष्ठा नक्षत्र जन्म बेलू मंगल महादोष जो नक्षत्र को ये हिसाब निकाश पाई आप महादशा अंतर्दशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा कि आमको दरकार इमीडिएट रिजल्ट इनस्टेंट रिजल्ट क्या वी आर लिविंग इन द रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी जहाँ पचारा आज फल कहतु आज्ञा ग्रह मान दृष्टि ये सब आमको कौन मिल जिस्ट में कही दिखे प्रेसीस मकर राशि जो नक्षत्र प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक वृत्तिगत स्वास्थ्यगत पारिवारिक सामाजिक मांगलिक धार्मिक एपरिक वाणिज्य व्यवसाय मध्य आशा ठारु अधिक शुभफल बकया पड़ा टंका जो आपण जीविका प्रश्न बाजी कोरोना रे मध्य शुद्ध न देले मध्य किस्ति प्रकार मूल मध्य आदाय करिवे परिवार रे सहयोग रहिबो सहमत सहित कार्य करिवे किंतु मात्र जदि जो कहली किछि लोक आपणकर उन्नति प्रगति समृद्धि रे असहिष्णुता इनटॉलरेंस सहय करि परिवे आपण माने कुहंती जे आगा सुख बेले सब बंधु विपद रे किए नहीं सुख बेले आगा किए बंधु हेबे नहीं काहे कि कथा कहली आपण उन्नति किए सहय करि परिवे दुख बेले होले आचुचु करि परिवे एणु मकर राशि पाए अत्यंत शुभ समय थिबा जगो परिकल्पित योजना को कार्यकारी करि कम परिश्रम रे अधिक उपार्जन क्षम हवा रास्ता मध्य पाइबे देह मन संपूर्ण भाव रे सुस्थ रहिबो अन्य प्रतिकार आवश्यकता नहीं। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई तीनोटी नक्षत्र तेईस बाय एगार धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि जन्म बेल को मंगल महादशा चौबीस बाय एगार सतविशा नक्षत्र कुंभ राशि जन्म बेल को राहु महादशा पचीस बाय एगार पूर्वभद्र नक्षत्र कुंभ राशि जन्म बेल को बृहस्पति महादशा जो महादशा अंतर्दशा प्राणदशा चल ग्रह स्थित आप पचारे कहीं कहले कहार उद्देश्य है शास्त्र गोटे आज्ञा कार कौन उद्देश्य थपे वाणिज्यगत उद्देश्य किए भयभीत कर मोर छोटिया प्रश्न जो विभिन्न प्रकार मतभेद रोचे मैंने बुझी पार ना आज्ञा मैंने जदि आप भारत रु चीनी धरिकी आमेरिका जी कौन पिता लगे ना आज्ञा आमेरिकार निम धरिक भारत आस मीठा लगे आज्ञा शास्त्र गोटे नौटी ग्रह बारटी राशि सतैशटी नक्षत्र भितर पर्यवेक्षित ताले मतभेद कहीं रोचे मतांतर कहीं आज्ञा प्रत्येक क्लास चोरी करवा ठार आरंभ कर आईएएस आईपीएस पर्यंत ग्राम पंचायत रु आरंभ कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर्यंत सब गोटे क्लासिफिकेशन थाए श्रेणी विभाग आज्ञा कंपार्ट फेल पिला कंपार्टमेंटली सेकेंड डिजन फास्ट डिजन बेस्ट स्ट्रेन्थ फास्ट क्लास फास्ट सी ज्योतिष शास्त्र जार जी ज्ञान से ज्ञान भितर से पर्यवेक्षित कर कुंभ राशि तेईस बाय एगार धनिष्ठा कुंभ चबीस बाय एगार सतमिशा कुंभ पचीस बाय एगार अत्यंत शुभ कुंभ राशि साढ़े सात शनि ना साढ़े सात है बार घर रही बार घर है आपणकर निज घर मकर लग्न है मूल त्रिकोण शनि द्वितीय है गुरु बृहस्पति घर एणु कुंभ राशि देखिए दिनटी तो भल चल कि निरंतर भाव में निरविच्छिन्न अवस्था तीन वर्ष पाई आर्थिक वृत्तिगत स्वास्थ्यगत प्रवृत्ति क्षेत्र में आशा ठार अधिक शुभफल भोग करेंगे प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष भाव में अणु परमाणु प्रतिकार व प्रतिषेधर आवश्यकता नहीं। शेष राशि आज्ञा मीन राशि तीनोटी नक्षत्र पचीस बै बार पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि जन्म बेल को बृहस्पति महादशा छब्बीस बै बार उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि जन्म बेल को शनि महादशा सतीश बै बार रेवती नक्षत्र मीन राशि देवगण जन्म बेल को बुध महादशा महादशा अंतर्दशा गणितिक हिसाब मीन राशि अत्यंत शुभ शास्त्र कहला एकादश घर है ज्योतिष शास्त्र में सबुठ शुभ इच्छा पूरण फुलफिलमेंट डिजायर्स लाभ प्रॉफिट एकादश घरे मीन राशि ठारु निज घरे शनि अवस्थान करथिबा जोगो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो परिकल्प योजना को कार्यकारी करिवे अर्थर झड़ बहिबो देयर विल बी विंडफॉल ऑफ मनी विभिन्न दिगरु अर्थ आसिबो अर्थ संचय करिवे योजना को कार्यकारी करिवे
एपरिक राज्य जातीय आंतर्जातिक स्तर रे मध्य वाणिज्य व्यवसाय को संप्रसारण करबा पई नूतन कार्यक्रम हाथ को नबे एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स रो मतामत लड़ी ताको पूर्णांग करिवे। आपण पत्र लिखि पारिबे, प्रश्न पचारि पारिबे, निजर नाम ठिकणा राशि नक्षत्र लिखि पत्र लिखंतु। आमर ठिकणा नोट करंतु, भाग्य फल के न्यूज प्लॉट नंबर 187 एन बाय 2 आईआरसी विलेज नयापल्ली भुवनेश्वर 15। ये थिला उपस्थापना। बर्तमान तो समय हो जाइछि 12टी राशि व्यक्ति विशेष मानक पाए दिनटी किपरि कटिबो चुंबक रे कहली समय हेछि किंतु आपण भूलिबे नै आज्ञा। एही कार्यक्रम सबु दिन चलिछि, आसंता काले पुणि एही कार्यक्रम रे आपण सहित मोर देखा साक्षात हो। रहुची, ओम नमः शिवाय।